नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और कैमरा कंपैरिजन वीडियो में। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं OnePlus 9RT के कैमरास को Vivo V23 Pro के साथ। अब यहां पे इन दोनों का कंपैरिजन करने का रीजन यह है कि दोनों ही फोन आपको सिमिलर कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, अराउंड 40,000 दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात करी जाए तो OnePlus 9RT में आपको दिया गया ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सेंसर, सोनी का IMX766 सेंसर है, उसके अलावा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है एंड फ्रंट में आपको मिलता है अगेन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो वहीं पे अगर बात करी जाए Vivo V23 Pro के बारे में तो वहां पे दिया गया 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है एंड फ्रंट की बात करी जाए तो वहां पे अगेन मिलता है 50+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप। तो चलिए करते हैं इन दोनों ही फोन्स के कैमरास को टेस्ट, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटोज लेते हैं, वीडियोस लेते हैं एंड लेट्स सी किस तरह का आउटपुट देखने को मिलता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेलाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि OnePlus की इमेज बेटर है कलर्स के मामले में, स्किन टोन के मामले में, जबकि Vivo की बात करी जाए तो स्किन टोन को एकदम ही ब्राइट बना दिया है जो कि हमेशा होता है एंड बाकी कलर्स की बात करी जाए वो तो जो एक्चुअल थे वही दिखाए हैं। अब यहाँ पे अगर आप डिटेलिंग या शार्पनेस नोटिस करेंगे तो अगेन वो भी आपको OnePlus में बेटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे OnePlus का आउटपुट बेटर है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही फोन ने काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर आप कलर एक्यूरेसी देखते हैं तो Vivo में बेटर देखने को मिल रही है। शर्ट के कलर को चेंज नहीं किया है OnePlus ने, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा कूलर टोनेड किया है ओवरऑल इमेज पे। उसके अलावा जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है वो अगर आप देखेंगे तो दोनों की ही इक्वल है एंड अगर स्किन टोन की भी बात करी जाए तो यहाँ पे कोई सा मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा है। बाकी जो डायनामिक रेंज है वो भी आप देख सकते हैं दोनों ही फोन की अच्छी है। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एज डिटेक्शन वैसे तो ठीक हो जाता है बट डिफिकल्ट कंडीशन में कभी कभी एजेस मिस कर देता है, कभी OnePlus मिस कर देता है, कभी Vivo मिस कर देता है। तो ये इश्यू दोनों ही फोन में नोटिस किया है। बाकी ओवरऑल कलर्स है, स्किन टोन है जो हमें नॉर्मल मोड में देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पे भी देखने में मिलता है। डेलाइट कंडीशन में ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाले गए कुछ ऑब्जेक्ट के फोटोस है एंड यहाँ पे अगेन आप नोटिस कर सकते हैं कि OnePlus कलर्स को स्लाइटली बूस्ट करता है, देखने में आई प्लेजिंग बनाता है। Vivo की बात करी जाए तो जो एक्चुअल कलर्स होते हैं वही दिखाता है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। अब उसके अलावा यहाँ पे अगर आप जूम इन करके डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करेंगे तो क्लियरली आपको OnePlus में बेटर देखने को मिल जाएगा। डायनामिक रेंज की बात करी जाए तो दोनों ही फोन की अच्छी है, वहाँ पे ऐसा मेजर विजिबल डिफरेंस नहीं है बट जो कलर्स है, डिटेलिंग एंड शार्पनेस है, ये सारी चीजें मुझे OnePlus की बेटर लगी है। डेलाइट कंडीशन में प्राइमरी कैमरा से निकाले गए कुछ सैंपल्स एंड यहाँ पे दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। कलर्स वगैरह का बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको नोटिस होगा अगर बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो, बाकी वो भी इतना ज्यादा नोटिस नहीं होता है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस देखते तो दोनों की ही बढ़िया है। डायनामिक रेंज की बात करी जाए तो वो भी दोनों की ही अच्छी है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है उसका परफॉर्मेंस मुझे दोनों ही फोन का अगेन आइडेंटिकल लगा है। 108 एंड 50 मेगापिक्सल मोड में निकाली गई इमेज है। पहली नजर में आपको पता नहीं चलेगा शार्पनेस वगैरह कहाँ पे बेटर है, तो उसके लिए इमेज को जूम इन कर लेते हैं। मैक्सिमम जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि शार्पनेस यहाँ पे दोनों ही फोन की इमेज में सिमिलर है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे मुझे Vivo की इमेज स्लाइटली बेटर लग रही है बिकॉज जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा बेटर मैनेज करा है एंड बैकग्राउंड में जो स्काई वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा सा बेटर हैंडल करा है कम्पेयर टू OnePlus, जबकि OnePlus में आप देख सकते हैं कि इतना अच्छे से हैंडल नहीं हो पाया है। तो डायनामिक रेंज Vivo की बेटर है एंड स्किन टोन की भी बात करी जाए तो OnePlus में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है एंड बाकी ओवरऑल जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है वो दोनों ही फोन का अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने कोई भी इश्यू नोटिस नहीं करा है। अभी ये फोटो मैंने डायरेक्ट सनलाइट में निकाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Vivo ने स्लाइटली बेटर काम किया, हालांकि उसने भी स्किन टोन तो बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया है बट चेहरे के ऊपर जो लाइट आ रही थी उसको ओवर एक्सपोज नहीं करा है, जबकि OnePlus ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेहरे के ऊपर जो लाइट आ रही थी तो पूरा चेहरा ओवर एक्सपोज कर दिया है, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे डिफिकल्ट कंडीशन में अगेन फ्रंट कैमरा में Vivo ने बेटर काम किया है। इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज यहाँ पे क्लियरली OnePlus का आउटपुट बेटर है, कलर्स वगैरह बेटर देखने को मिल जाता है, स्किन टोन बेटर देखने को मिल जाता है एंड अगर आप जूम इन करके डिटेलिंग एंड शार्पनेस भी नोटिस करते हैं तो वो भी OnePlus में बेटर है। इंडोर प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज अगेन दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है एंड यहाँ पे Vivo है स्किन टोन को थोड़ा सा येलोइश की तरफ रखता है, OnePlus यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश की तरफ रखता है, एकदम एक्चुअल तो दोनों में से किसी ने नहीं रखा है। जो स्किन टोन एक्चुअल है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे आता है। उसके अलावा जो कलर्स वगैरह है वो दोनों के ही अच्छे हैं एंड डिटेलिंग एंड शार्पनेस भी आप नोटिस करते हैं तो दोनों ही फोन का अच्छा है।
पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है एंड एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगेन मैंने एज डिटेक्शन के कोई भी इश्यू नोटिस नहीं करे है। इंडोर कंडीशन में प्राइमरी कैमरा से निकाले गए कुछ सैंपल है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ कंडीशन में वन प्लस कलर्स को बूस्ट करता है, कुछ कंडीशन में वीवो कलर्स को बूस्ट करता है। उसके अलावा ओवरऑल यहाँ पे जो वन प्लस है वो कूलर टोन मेंटेन करता है, वीवो है थोड़े से वार्मर टोन मेंटेन करता है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करेंगे तो दोनों का ही इक्वल है, वहाँ पे कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट कलर्स के मामले में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन प्लस में कूलर टोन मिलेगा आपको, वीवो में आपको वार्मर टोन मिलेगा। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आउटपुट पसंद आता है। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया, बट यहाँ पे मैं वन प्लस की इमेज प्रीफर करूंगा बिकॉज जो स्किन टोन है, जो लाइट कंट्रोल है उसका मुझे बेटर लग रहा है। शर्ट के कलर को भी बेटर हैंडल करा है, वीवो ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया शर्ट के कलर को, स्किन टोन तो उसने भी सही रखा है, बट जो शेडो वाला एरिया है वो इतना अच्छे से हैंडल नहीं हो पाया है, तो उसी वजह से यहाँ पे मुझे वन प्लस का आउटपुट बेटर लगा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि वन प्लस में जो लाइट कंट्रोल है अच्छे से नहीं हो पाया, चेहरे के कुछ पार्ट को ओवर एक्सपोज कर दिया है, जबकि वीवो ने वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज करी है। एंड ये हर एक कंडीशन में नहीं होता, अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है वन प्लस ने भी, तो ये डिपेंड करता है कि लाइटिंग किस तरह की आ रही है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। लो लाइट में निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीवो की इमेज काफी ज्यादा ब्राइट है। अभी हम नाइट मोड को ऑन करते हैं, नाइट मोड को ऑन किया है एंड उसके बाद दोनों ही इमेज इंप्रूव हो जाती है। एंड टू बी फ्रेंक यहाँ पे मुझे दोनों ही इमेज सही लग रही है। ये एक्सट्रीम लो लाइट में स्क्रीन फ्लैश को यूज कराया एंड उसके बाद दोनों ही फोन का आउटपुट मुझे एवरेज लगा है। लो लाइट अल्ट्रा वाइड विदाउट नाइट मोड वीवो का आउटपुट ब्राइटर है। नाइट मोड को एनेबल करने के बाद दोनों ही इमेज इंप्रूव होती है, बट स्टिल जो वीवो का आउटपुट है वो ब्राइट है। प्राइमरी कैमरा विदाउट नाइट मोड अगेन वीवो का आउटपुट ज्यादा ब्राइट है। नाइट मोड एनेबल करने के बाद दोनों ही इमेज इंप्रूव हो जाते हैं, बट स्टिल अभी भी जो वीवो का आउटपुट है वो ज्यादा ब्राइट है। एक्सट्रीम लो लाइट में निकाली गई इमेज है, तो यहाँ पे वन प्लस ने बेटर परफॉर्म करा है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 1080 पिक्सल 30 fps पे ही शूट कर रहा हूँ, बिकॉज वन प्लस में यहाँ पे आप मैक्सिमम 1080 या 30 पे ही शूट कर सकते हैं, जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस के हिसाब से बहुत बुरी बात है। बट वीवो में तो आप 4K 60 fps तक भी जा सकते हैं, तो ये एडवांटेज डेफिनेटली आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी 1080 30 पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेहतर हैंडल कर रहा है, स्टेबिलिटी कहाँ पे बेहतर है, दोनों में ही आपको EIS देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही डिवाइस को मैंने हैंडल्ड किया हुआ है एंड अब मैं वॉक कर रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी के मामले में भी दोनों ही फ़ोन मुझे सिमिलर लग रहे हैं। एंड सनलाइट अभी मेरे पीछे आ गया है, तो अब आप देख सकते हैं कौन सा फ़ोन किस तरह से हैंडल कर रहा है सारी चीज़ों को। अगेन ऑन स्क्रीन मुझे डिफरेंस पता नहीं चल रहा है एंड जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी दोनों की ही मुझे अच्छी खासी दिख रही है। तो आप लोग बताइए आपको क्या लगा। दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 1080 पिक्सल 60 fps पे शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप दोनों ही फ़ोन में 4K में भी 60 fps तक शूट कर सकते हैं, तो ये सिमिलैरिटी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है। बाकी 1080 60 पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप वगैरह किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेहतर हैंडल कर रहा है। अभी वॉक करके मैं आपको स्टेबिलिटी भी दिखा देता हूँ। वीवो में OIS नहीं है जबकि वन प्लस में OIS है, तो फुटेज इतनी ज़्यादा क्रॉप नहीं हुई है। एंड बाकी यहाँ पे ऑन स्क्रीन तो मुझे स्टेबिलिटी दोनों की ही ठीक ही लग रही है, ऐसा कोई डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा है। बाकी आप लोगों को डिफरेंस नोटिस हो रहा हो एक्चुअल फुटेज में तो आप लोग कमेंट करिए एंड मुझे बताइए। दोनों ही फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ एंड 1080 पिक्सल 30 fps पे शूट कर रहा हूँ, बिकॉज वीवो में आप मैक्सिमम वहीं तक शूट कर सकते हैं, जबकि वन प्लस में आपको 1080 60 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। तो 1080 30 पे आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेहतर हैंडल कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं सनलाइट एकदम ही सामने आ रही है, तो एक्सपोजर कहाँ पे बेहतर है। एंड वॉक करके हम स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, तो अगेन यहाँ पे स्टेबिलिटी के मामले में मुझे ऑन स्क्रीन दोनों ही फ़ोन एकदम ही सिमिलर लग रहे हैं। बाकी आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो जो रियर कैमरा है वो यहाँ पे वन प्लस में स्लाइटली बेटर निकल के आते हैं, फिर चाहे वो प्राइमरी हो या फिर अल्ट्रा वाइड हो, दोनों का ही परफॉर्मेंस वन प्लस में बेटर है। अब अगर फ्रंट कैमरा की बात करी जाए तो वहाँ पे वीवो का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है। वहाँ पे आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिलता है जो कि आपको वन प्लस में देखने को नहीं मिलता है।
एंड वीडियोस की भी बात करी जाए तो वहां पे आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रियर कैमरा में आपको वन प्लस में ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर फ्रंट कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आपको वीवो का आउटपुट अच्छा लगेगा। अगर रियर कैमरा का आपको ज्यादा यूज है तो फिर आपको वन प्लस की तरफ जाना चाहिए। एंड बाकी मुझे अगर इन दोनों में से किसी एक को पिक करना होता तो ओवरऑल में अगर सारी चीजों को देखता तो मुझे वन प्लस में बेटर देखने को मिल रही है तो मैं पर्सनली वन प्लस को ही पिक करता। बट वीवो V23 Pro भी अगर मुझे 32,000 to 33,000 में मिलता है तो उस प्राइस में मैं उसके लिए भी सोच सकता हूँ। तो देख लीजिए आपको आपके एरिया के हिसाब से किस तरह की डील मिल पाती है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।